कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मतदान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 307 डेलीगेट्स के लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक बूथ बनाया गया है। यहां शाम के 4 बजे तक मतदान होना है, उसके बाद मतपेटी दिल्ली के लिए ले जाई जाएगी। इस चुनाव में प्रतिनिधि वोटरों को मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में किसी एक को चुनना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 11:10 पर राजीव भवन पहुंचे। उसी दौरान मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, रुद्र कुमार गुरु, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अंबिका सिंह देव, ममता चंद्रकार आदि मंत्री विधायक भी, प्रदेश पदाधिकारी भी मतदान के लिए पहुंचे। मतदान के बाद मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कैबिनेट बैठक के लिए रवाना हो गए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह मतदान कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के मजबूती का प्रमाण है। अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों में से कोई भी वोट मांगने रायपुर नहीं पहुँचा है, हालांकि फोन पर ही नेताओं से बातचीत हुई है। यहां संगठन का झुकाव मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर दिख रहा है। खड़गे की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया, महामंत्री अर्जुन तिवारी, अरुण सिसोदिया और सुमित्रा घृत लहरे को पोलिंग एजेंट बनाया गया है। वहीं शशि थरूर को यहां के नेताओं में से कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं मिला है। उनके लिए दिल्ली से एक नेता को पोलिंग एजेंट बनाकर भेजा गया है।